दोस्तों, मोरबी पुल हादसा आपको याद होगा। गुजरात में किस तरीके से एक ब्रिज जो है वो नदी में गिर गया था, कितने लोग मारे गए थे, कई लोग घायल हुए थे, कई महीने तक उसको लेकर हंगामा जारी रहा सोशल मीडिया पे। लेकिन अब ये खबर आती है कि एक ब्रिज गुजरात में फिर से गिरा है। आप देख सकते हैं ये ब्रिज जो गिरा है, इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। और उसके बाद सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद अब फिर से ये सवाल उठ रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी का गुजरात मॉडल फिर से सामने दिखाई दिया है, जिसमें एक ब्रिज गिरा है। बताइए जा रहा है कि चार लोग मिसिंग है, चार लोगों की पता नहीं है, और कई गाड़ी जो है वो ब्रिज में जाकर गिर गई है नदी में। उसके बाद ये वीडियो आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। कई वीडियो इसका सोशल मीडिया पे वायरल है। बताया जा रहा सुरेंद्र नगर का गुजरात का ये वीडियो है जो कि कोलैप्स कर गया। कहीं पे चार लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, कहीं पे छह लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, और ब्रिज का क्या हालत है ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पूरा का पूरा ब्रिज जो है वो गिर गया पानी में। और आप देख सकते हैं एक बड़ा सा ट्रक भी आपको दिखाई दे रहा, मोटरसाइकिल भी है, और एक महिला तो आप देखिएगा कि किस तरीके से फंसी हुई है उस ब्रिज में। और उसके बाद ऊपर जो है वो जमघटा लगा हुआ है लोगों का। इस वीडियो को आप फुल स्क्रीन पे देखिए। बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए, बहुत सारे सांसद भी है उन्होंने भी इस वीडियो को ट्वीट किया, बताया कि गुजरात में जो डबल इंजन की सरकार है वो फेल हो गई है और एक बार फिर से ब्रिज हादसा देखने को मिला है। टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा का एक फैन ट्विटर हैंडल है, वो भी इस वीडियो को ट्वीट करता है और बताता है कि डबल इंजन की सरकार में ये कैसे ब्रिज जो है वो कोलैप्स हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात में जो मोरबी पुल हादसा हुआ था, कई लोग मारे गए थे, कई लोग घायल हुए थे, हफ्ते महीने भर ये चर्चा का विषय बना रहा सोशल मीडिया पे। लेकिन आपको बता दूं कि वहीं पे एक हादसा फिर से होता हुआ दिखाई दिया है, जो कि बताया जा रहा है सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में ये ब्रिज जो है वो कोलैप्स कर गया। और बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल और कुछ ट्रक भी इस ब्रिज के साथ नदी में आपको दिखाई दे रहा है, जो कि आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। और उसके बाद आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए डबल इंजन सरकार की दुहाई दी है। जो डबल इंजन सरकार, बताया जाता है कि जो सरकार बनी हुई है गुजरात में डबल इंजन की, उसका विकास ये आपको फ्लड के जरिए से भी दिखाई देता है। जब फ्लड होता है वहां पे तो किस तरीके से ये सब कुछ होता है, आपको वो तस्वीरें गुजरात की दिखाई देती है। लेकिन वहीं पे ब्रिज को लेकर ये दो हादसे हो चुके हैं लगभग साल भर के बीच में। लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं इस खबर को, जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और जिस तरीके से गुजरात में ब्रिज पे ब्रिज गिरती चली जा रही है, इसके बारे में भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।